Hey everyone guys, good morning, welcome back to my channel. So after a long time I'm recording this video, so I hope you are doing well and your studies are also going well. So आज मैं अराउंड 6:30 AM सुबह उठ गया था एंड उठने के बाद मैं अभी थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट कर रहा हूँ. हालांकि ये मैं पहले नहीं करता था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इसे करना शुरू किया है बिकॉज मैं हमेशा चेयर टेबल पर बैठ के पढ़ाई करता हूँ. आई होप आप भी करते होंगे. तो इसके वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट करने से आपका बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है एंड उसके साथ साथ आपको दिन भर फ्रेशनेस फील होता है. तो इसके वजह से मैं कुछ दिनों से करना शुरू किया है एंड ऑल्सो मैं अभी कुछ दिनों से मैं एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर चुका हूँ. इसके वजह से जो भी मेरा डेली वर्क रहता है एलोंग विथ कुकिंग, वो मुझे सुबह ख़त्म करके ही जाना पड़ता है बिकॉज मैं अपने घर से दूर एक जगह रेंट लेके पढ़ाई करता हूँ. तो इसके वजह से सारे काम मुझे ही करना पड़ता है. तो मैं लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन किया, लाइब्रेरी ज्वाइनिंग करने का दो ही रीज़न मेरे पास था. एक रीज़न ये था कि मैं एक क्वालिटेटिव आवर का स्टडी करूँ फोकस के साथ एंड सेकंड थिंग कि मेरा जो रूम है वो एक टॉप फ्लोर का रूम है एंड वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है यार. अभी गर्मी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ, तो इसकी वजह से मुझे लगा कि एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका दो फायदा हो जाएगा. एक तो पढ़ाई भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ फ्री में एसी भी मिल जाएगा. तो इसके वजह से मैं एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया. हालांकि इसके वजह से मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है अपने डेली वर्क के साथ साथ कुकिंग करने के लिए, लेकिन आप कह सकते हैं मैं जैसे तैसे कर लेता हूँ. तो इसके वजह से मैं अभी सुबह अपना ब्रेकफास्ट कम लंच ख़त्म करके अभी रेडी हो रहा हूँ लाइब्रेरी के लिए. एंड मैं लाइब्रेरी हमेशा पैदल जाने के लिए प्रेफर करता हूँ बिकॉज पैदल जाने से अच्छा यही होता है कि आपको मॉर्निंग का जो फ्रेशनेस होता है वो आपको फील होता है. एंड मैं अभी जा रहा हूँ अपनी लाइब्रेरी के लिए. एंड ये मैं हूँ एंड आज थोड़ा सा तो हैंडसम दिख रहा हूँ ना. हालांकि खुद का तारीफ नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कर लेता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं. एंड मैं आप आज आपको कैसा लग रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताना. एंड ये मैं अपना लाइब्रेरी पहुँच चुका हूँ एंड ये का मैंने कुछ दिनों से एक पुमा का स्लाइडर लिया था एंड ये मेरा दिल का बहुत करीब है. आप मुझे भी इसे भी बताना कि ये आपको कैसा लग रहा है. एंड ये मैं अभी लाइब्रेरी पहुँच चुका हूँ एंड मैं लाइब्रेरी में फर्स्ट पर्सन नहीं होता हूँ पहुँचने में एंड निकलने में भी लास्ट पर्सन भी रहता हूँ. लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं ये रिकॉर्ड मेंटेन कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मेरा फ्रेंड का एक एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसके वजह से मुझे उसे पिकअप करना पड़ता है. तो इसके वजह से कुछ दिनों से मैं इस जो रिकॉर्ड है इसको मेंटेन कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, हम कर लेंगे यार. एंड अभी लाइब्रेरी में पहुँच चुके हैं एंड अभी एसी चालू करते हैं बिकॉज यार रूम से लाइब्रेरी तक आने में बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा था एंड मेरा पसीना भी छूट चुका है. थोड़ा रूम को चिल करेंगे एंड बैठेंगे एंड पानी पानी भी जो है भर लेंगे बिकॉज बाद में पढ़ाई के वक्त बाहर आना ना पड़े एंड उसके बाद पढ़ाई के लिए बैठेंगे. एंड ये मेरा टू डू लिस्ट है जो कि मैं हमेशा पढ़ाई शुरू करने से पहले बनाता हूँ, रात को बनाता हूँ एक्चुअली. एंड ये एक नोट बुक मैंने रखा है जिसमें मैं हर दिन का जो भी मुझे करना है वो मैं लिख लेता हूँ एंड जो मेरा कंप्लीट हो गया उसके साइड में एक एरो दे देता हूँ एंड जो भी कंप्लीट नहीं हुआ उसके साइड में एक क्रॉस कर लेता हूँ. एंड ये थोड़ा बहुत मोटिवेशनल लाइन लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे जब फील होता है कि ना पढ़ें यार, डीमोटिवेटेड फील होता है, तो अब तभी मैं ये लाइन को पढ़ता हूँ. तो मुझे लगता है कि नहीं यार, जो भी हो जाए टारगेट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो करना है वो शो करेंगे. तो इसके वजह से मैं इस टाइप का एक छोटा बड़ा जो भी मुझे मोटिवेशन लाइन मिलता है वो मैं लिख लेता हूँ एंड ऐसा एक नोट कॉपी जो मेरा रहे वो उसमें मैं डेली का टारगेट लिखता हूँ. हालांकि मैं हमेशा इसको रात में ही लिख लेता हूँ एंड मैं आज वीडियो शूट कर रहा था तो इसकी वजह से मैं सुबह आपको दिखा रहा हूँ. एंड चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं, आप वीडियो में आगे बने रहें, तब तक लिए एंजॉय कीजिए. अराउंड 2 आवर करंट अफेयर एंड भूखा पढ़ने के बाद अभी गाइस मैं इंग्लिश का क्लास कर रहा हूँ. ये निमिषा मैम का परफेक्शन क्लास है इंग्लिश का, आप जानते ही होंगे. एंड इसके बाद क्लास करने के बाद मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करने वाला हूँ जिसमें मेरा SNQD प्रैक्टिस रहेगा. SNQD फॉर सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक एंड DI. मेरा DI का टारगेट हर दिन 5 to 6 रहता है अभी मैं जो भी मैं कर रहा हूँ डेली बेसिस पे. एंड आप सभी तो जानते होंगे कि प्रीलिम में क्वांट सेक्शन में ज़्यादा स्कोर करने के लिए ये तो हमेशा हमें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा अपना, जिसके वजह से हमारा स्पीड बूस्ट होगा. तो आई होप आप भी सब करते होंगे.
अभी गाइस रात का 8 बजने वाला है एंड अभी टाइम है लाइब्रेरी से रूम को जाने के लिए, बिकॉज हमारा लाइब्रेरी 8 बजे बंद होता है। एंड सो चलिए लाइट्स ऑफ करते हैं। एंड आज भी मैं लास्ट पर्सन ही लाइब्रेरी में था, सो अभी मैं रूम में आ चुका हूँ। एंड ये जो मेरा थोड़ा बहुत बुक्स है इधर उधर हो के पड़ा हुआ है, पहले इसको सही जगह पे अरेंज करेंगे, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठेंगे। मेरा लाइब्रेरी में इंग्लिश सेक्शन एंड क्वांट सेक्शन का जो भी मेरा आज का टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। बच गया था मेरा रीजनिंग प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर रिवीजन, ये दोनों को मैं अभी रात में कंप्लीट करूँगा एंड उसके बाद सोने के लिए जाऊँगा। हालांकि आई एम ए नॉक्टर्नल पर्सन, मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम, तो इसके वजह से मैं रात में ज़्यादा टाइम पढ़ लेता हूँ, तो इसके वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, बिकॉज जिस दिन से मैंने लाइब्रेरी में एडमिशन किया तो इसके वजह से मुझे सुबह उठना पड़ता है। सो ये सब चीज़ मैं कुछ दिनों से मैनेज कर रहा हूँ एंड कुछ टाइम लेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये आदत हो जाएगा। क्या करें गाइस, कुछ पाने के लिए कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट सैक्रिफाइस वी कैंट अचीव एनीथिंग। एंड आगे भी आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज इन आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट, बिकॉज हर साल आरबीआई का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, तो इसके वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अटेंड करना ही पड़ेगा। सो आई होप गाइस आपको ये छोटा सा स्टडी ब्लॉग अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो फिर मिलते हैं इस न्यू स्टडी ब्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।